सर हाय, मेरा नाम है राम बाबू, ये लीला एक्वेरियम से, ये सिकंदराबाद में ब्लू सी का बैक साइड में है। ये लाइन पूरा रेजिमेंटल बाज़ार कहता है। इसमें कम से कम 20 एक्वेरियम शॉप्स है, इसमें से मेरा एक लीला एक्वेरियम्स बोल के एक है। और आपको इसमें 3 वेराइटीज एक्वेरियम्स रहता है, एक क्या कि नॉर्मल फिशेस का, ये जो नॉर्मल फिशेस जो है इसमें क्या सॉफ्ट फिशेस कहता है, एक टोटली कलरफुल रहता है। आपको एक्वेरियम में दिखना है, एकदम बढ़िया दिखना है बोले तो सॉफ्ट को जाना पड़ता है। उसमें क्या है सर, गोल्ड इट्स अ मेन वेराइटी ऑफ द एक्वेरियम, जो एक्वेरियम को शानदार लुक आना बोले तो कंपलसरी उसमें गोल्ड फिश रहना ही रहना है। और ये मोलिस है, एक कलरफुल फिशेस है। ये मोलिस है, ए टिलफिल बार्ब है, ए रोजी बार्ब, इसमें एंजल्स बोल के रहता है, एंजल्स बोल तो ऐसे रहता है, ये पूरा सॉफ्ट का अंदर आता है। और आपको गप्पीस बोल के रहता है, ये भी फेमस है, जो गप्पीस है ये भी फेमस है। ये सब क्या है सर, ये पूरा सॉफ्ट फिशेस है। आपको मेंटेन करना बोले तो एक एक्वेरियम में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, ओनली ये फिशेस डाल सकते हैं। और एक दूसरे वेराइटी मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाइल्ड है सर, वाइल्ड, ये वाइल्ड फिश है एक्वेरियम में। ये वेराइटीज़, ये एक ब्रीड है, ये सब एक साथ में रहता है, सॉफ्ट फिशेस से नहीं रहता है, ये ओनली वाइल्ड है। अगर सॉफ्ट फिशेस डालने से ये मार देता है, उसकी वजह से ये वाइल्ड फिशेस कहता है। और एट द सेम टाइम ये नॉर्मल एक्वेरियम जो अभी मैं आपको बताया, ये प्लांटेड एक्वेरियम सर, ये टोटली नेचुरल प्लांट्स है। ये बहुत मेहनत से करना पड़ता है, इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। इसमें नेचुरल प्लांट्स लगाने से अपन का घर में जब लगा लेता है तो दिखने में और अपन का मेंटल स्ट्रेस और माइंड पीसफुल रहता है। इसकी वजह से इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहता है। इसमें फिशेस जब अपन बैठ के देखने से एकदम आपका माइंड पीसफुल हो जाता है सर। और सर इसमें क्या है, इसमें प्लांटेड में डालने से हर फिशेस नहीं डालना चाहिए। इसमें क्या है, नियॉन टेट्रास बोल के एक रहता है और गप्पीस बोल के रहता है, वो फिशेस डालने से क्या है सर, ये एक्वेरियम को एकदम बढ़िया लुक आ जाता है। मेंटेनेंस सर, ये चीज़ आपको अपन को बनाने में कम से कम 8,000 to 10,000 होता है सर इसको, क्योंकि इसका लाइट अलग आता है, इसका फिल्ट्रेशन अलग होता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर एक आता है, उसके साथ में अपन कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। वेयरएज ये एक्वेरियम्स जो नेचुरल अपन बनाने से, ये कम से कम पूरा आपको टैंक के साथ मिलाकर एक 2,000 से 3,000 का अंदर हो जाता है। इसको वही फ़र्क है, इसका मेंटेनेंस हर 20 दिन को या 15 दिन को क्लीन करना पड़ता है। ये प्लांटेड को आपको कम से कम 3 साल तक टच करने का ज़रूरत नहीं है, क्लीन करने का ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से इसका मेंटेनेंस बहुत कम है मगर बहुत महंगा है। ये बहुत सस्ता है, बहुत मेंटेनेंस ज़्यादा है। और आप ये जो नॉर्मल सॉफ्ट फिशेस जो है, इसका भी मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है। एक्वेरियम 300 मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 150 टू, इट डिपेंड अपॉन द साइजेस। आपको 150 छोटा साइज से लेकर कम से कम आपको 4 फीट चाहिए या 8 फीट चाहिए या घर में वॉल में बनाना चाहिए वैसे बना के दे सकते हैं सर। ये आपको कम से कम 150 रुपये से लेकर 1,000 तक है, वो डिपेंड अपॉन द थिकनेस और एरिया, कवरिंग एरिया वो सब रहता है सर। ये जो मच्छी है ये आपको मिनिमम 20 रुपीस से लेकर कम से कम 10,000 तक भी एक मच्छी भी मिलता है। ये स्टार्टिंग प्राइस है 20 है, अब डिपेंड अपॉन द कलर और मॉडल और उसका ब्रीड। जब ज़्यादा जो ब्रीड मिलता है आपको सस्ते में मिलता है, जब भी आपको ब्रीड कम होते रहता है उसका रेट्स ज़्यादा रहता है। मैं आपको एक फ्लोरान बोल के एक बताता हूँ, ये लकी फिश है। ये जो फ्लोरान है ये लकी फिश है, ये एक एक्वेरियम में एक फिश के लगाना पड़ता है, इसको फ्लोरान बोलता है। इसका जो हेड है ना ये लकी है। और इसके साथ में और एक लकी फिश है, वो अरवाना है, ये जो सिल्वर में है, वो भी आपको कम से कम 1,000 रुपीज़ से लेकर आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक भी मिल सकता है उसमें फ़िश।
वो डिपेंड अपॉन द कलर. ये जो है ये जनरल कलर है, सिल्वर कलर. आपको इसमें गोल्ड मिलता है, सिल्वर, रेड, रेड अरवाना, दे आर द बहुत कॉस्टली रहता है. ये दो है जो है, ये दो लकी फिश है. ये फ्लावर हॉर्न है, फ्लावर हॉर्न ये भी बहुत महंगा रहता है. आपको हमारे कने अभी जो 950 से लेकर कम से कम आपको इसमें भी 25, 30 या 50 तक भी एक फिश का रेट रहता है. ये भी एक्वेरियम में एक ही डालना है, नहीं तो अरवाना भी एक ही डालना है. दिस इज़ अ मोल्डेड टैंक, इम्पोर्टेड टैंक्स. बहुत जने एक्वेरियम मेंटेन करने में डर लग के बहुत जने एक्वेरियम्स नहीं ले रहा है, मगर एक्वेरियम घर में रहने से आपको स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, बीपी, शुगर लेवल्स वो सब कंट्रोल में आता है. मगर ये मोल्डर टैंक जो है ना, ये रहने से आपको मेंटेनेंस बहुत कम रहता है. इसमें सर आपको क्लीनिंग करने का ज़रूरत नहीं है. हर हफ्ते ओनली स्पंज क्लीन कर लिए तो हो जाता है. ये फिल्ट्रेशन पूरा रिसाइकल होता है तो लाइट रहता है. ये आपको मेंटेनेंस बहुत कम रहता है. आप कभी भी लेना है बोले तो ऐसे मोल्डर टैंक ले सकता है. ये बाकी का नॉर्मल टैंक से ले, नॉर्मल टैंक को इसको क्या फ़र्क है सर? ओनली मेंटेनेंस सर. ये सेम सर. ये क्या है सर, ऐसे आपको फिल्ट्रेशन ऐसे होता है, ये कचरा पूरा इधर आ जाता है. तो यहाँ का कचरा यहाँ आ जाता है, ये एक ही साफ़ कर लिए तो हो जाता है. बाकी का टैंक्स क्या है सर, अपन पूरा क्लीन करना पड़ता है, नीचे से लेकर पूरा हर चीज़ निकालना पड़ता है. इसमें क्या है, कुछ निकालने का ज़रूरत नहीं है, खाली पानी रिसाइकल होता है, डस्ट पूरा इधर आ जाता है. उसको वजह से मैं आपको हर जने को सजेस्ट करता हूँ सर, कभी भी जाना है बोले तो मोल्डर टैंक को जाइए, आपको मेंटेनेंस बहुत कम रहता है. आपको मैं हर एक एक्वेरियम के बारे में बताया, और एक एक्वेरियम है उसका नाम है पॉट्स. ये जो है पॉट कहते हैं. आपको छोटा 4 mm से लेकर 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm एंड 12 mm ऐसे पॉट्स रहता है. ये पॉट में भी आप एक्वेरियम बना ले सकता है. जैसे फिश इसमें भी डाल सकता है. इसमें ऑक्सीजन वैसे लगाने से आपको ज़्यादा लाइफ रहता है. विदाउट ऑक्सीजन मछली नहीं रहता है. आप कभी भी मच्छी आपका घर में रहना बोले तो ऑक्सीजन कंपलसरी है. ये जो आपको मैं दिखाए सो है एक्वेरियम, ये है आपको. और एक बात है, ये जो इसमें प्लांट्स है, जो ये प्लांट्स, स्टोन्स, वैरायटी ऑफ स्टोन्स, ये प्लांट्स जो है एक्वेरियम में डेकोरेशन करने के लिए, जैसे अपन जैसे घर सजाता है वैसी सेम एक्वेरियम भी डेकोरेशन कर ले सकते हैं. जब भी आपको एक शानदार लुक आता है एक्वेरियम में, ये जो है स्टोन्स है, क्रिस्टल्स कहता है, स्टोन्स है, ये सैंड टाइप का है. ये प्राइस है आपको मिनिमम 40 rupees से लेकर एक किलो 800 तक भी मिलते हैं. आपको 800 तक भी मिलता है. सेम आपको ऐसे इसमें सैंड भी मिलता है. सैंड जो है इसको सैंड कहता है. थोड़े जने सैंड भी मेंटेन करता है. ये मार्बल स्टोन्स है. आप जैसे हो सकता है वैसे डेकोरेशन कर ले सकता है. अपन एक्वेरियम जैसे घर का जैसे सजा ले सकता है. आपको ये पूरा स्टोन्स के बारे में, ये मिनिमम 40 rupees से लेकर कम से कम तकरीबन 500 वैसे केजी तक रहता है. और आपको मैं और एक स्पेशल आइटम के लिए बताता हूँ आपको. ये है फाइटर फिश. ये जो फाइटर फिश है इसका नाम फाइटर ऐसे कहा है, इसके साथ दूसरी फाइटर नहीं जमता है, फाइटिंग कर लेता है. इसकी वजह से इसका नाम फाइटर है. ये आप एक्वेरियम में एक डाल ले सकते हैं. जैसे गोल्ड वगैरह डालते समय ये भी एक डाल ले सकता है. इसके लिए कहता है ये दूसरी फाइटर से नहीं जमता है. काली एक्वेरियम में एक ही फाइटर रहना ही इसका मकसद है. उसकी वजह से इसको फाइटर नाम आया है. ये भी विदाउट ऑक्सीजन रहता है. अब जैसे छोटा बाउल है, आप जैसे मैं आपको बाहर पॉट दिखाया था वैसे सजा ले सकता है. अपन डेकोरेट जैसे कर लिए तो वो वैसा दिखता है. इसमें आपको अभी फाइटर है, इसमें एक फाइटर है. फाइटर के लिए हम इतना डेकोरेशन कर लिया. जैसे अपन को जैसे चाहिए वैसे बनाने के लिए एक्वेरियम्स है. उसकी वजह से आप कभी भी लेना है या उसको मेंटेन करने में रहता है. आप मेंटेन करने में रहता है. जितना अच्छा मेंटेन करे तो आपको उतना अच्छा इंटीरियर उसका अंदर से अपन को आउटपुट मिलता है. उसकी वजह से एक्वेरियम ले लीजिए.
एक्वेरियम ले लीजिए, घर में बीपी शुगर स्ट्रेस ये जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आता है। हर घर में एक्वेरियम रहने से बच्चों को एटीट्यूड वो सब बढ़ता है, उसकी वजह से एक्वेरियम को लेने के लिए कोशिश करिए। ये है हमारा लीला एक्वेरियम, आप हो सकता तो ये गूगल में भी हम आपको मिलता है, गूगल में लीला एक्वेरियम्स बोल के देख सकता है। नया वेराइटीज़ आए तो भी हम ही अपलोड करता है, नहीं तो आपको ट्रैक चाहिए यहाँ आना चाहिए तो ट्रैक भी कर सकता है। आप कभी भी आना बोले तो कुछ इंक्वायरीज है तो भी आप हमको कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, हम उसके लिए तैयार है सजेशंस या उसके लिए मेंटेनेंस वो सब करने के आपको मालूम आपको बताने के लिए हम कभी भी रेडी हैं सर।